मलक इसरार, मेरा बेटा कई दिनों से लापता है। अगर उसको कुछ हो गया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं? क्या मतलब छोड़ूंगा नहीं? ये बोलने की हिम्मत है? इजलान, मेरे घर में घुसकर मुझे धमकी दे रहे हो, ये जानते हुए भी कि मेरे एक इशारे पे मेरे गार्ड तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। कसम खुदा की, करे इशारा। आप करे इशारा, इतने बेवकूफ नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है कि इस घर को कब्रिस्तान बनाए आप। करे इशारा। इस्लाम, बात करने आए ना बेटा? मुझे कोई बात नहीं करनी। इनको बोलो अपना बेटा हमारे हवाले करें और हम जाएं यहां से। बस जी। तो मलिक जुबैर, मैं इस बात को सहूलत से, आसानी से खत्म करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी ना तुम्हारे खिलाफ, तो यकीन मानो तुम्हारा सियासी करियर तो दांव पे लग जाएगा। इसरार, मुझे नहीं मालूम मेरा बेटा कहां है। मेरा कोई रابطہ नहीं है उससे। तो करे रابطہ, करे रابطہ। मैं अभी खड़े होकर कह रहा हूं, वक्त कम है, वक्त कम है, कर लो रابطہ। इसरार, चुप कराओ इसे, इसे समझाओ। देखो, तुम्हारे कहने पर हमने अरबाज को अपनी बेटी मनाल के लिए चुना, और उस अरबाज ने एक लड़की की खातिर हमारी, अरे मनाल का क्या हाल कर दिया है। ट्रस्ट में इसरार, मुझे नहीं मालूम इस सारे वाकया का। मुझे तो पता ही कुछ नहीं है, मैं क्या नाम है उस लड़की का, पता नहीं वर्दा क्या, मैं कुछ नहीं जानता। मलक जुबैर, तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन से शादी सिर्फ इंतकाम लेने के लिए की थी। उस लड़की के लिए इंतकाम लिया मेरी बहन से? क्या हालत करती है बेचारी की। मेरी अरबाज से बात हो तो मैं कुछ उससे पूछूं ना। तो जल्दी पूछ, ज्यादा वक्त नहीं है अब तुम लोगों के पास। इसे को इसरार, तमीज से बात करे। अबे तमीज गई तेल लेने, बाढ़ में गई तुम्हारी पार्टी, बाढ़ में गई सियासत। हट गए।